हेलो दोस्तों, आज राजस्थान हाई कोर्ट LDC का पेपर हो चुका है दोस्तों। और आज हम जीके वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में हम जीके वाले कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो उसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, 101 से 150 तक का पार्ट जीके वाला रहा है। तो आइए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा, क्योंकि इसको पहले सूचित नहीं किया गया था अवार्ड देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो दोस्तों, सुंडा पर्वत जालौर जिले में स्थित है। यहाँ पर सुंडा माता जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान की चार राज्यों की सीमा को छूता है। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो चार राज्यों की सीमा को छूता है। तो ऑप्शन नंबर एक सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, सोनभद्र, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोनभद्र, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 104, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, मुगल गार्डन यह राष्ट्रपति भवन के पास में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुखोई और मिराज, सुखोई और मिराज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, कौन से किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, लाल लोमी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, लाल लोमी मृदा उदयपुर में यानी कि दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर हरि के बैराज से निकाली गई है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेसिंका आर्डन, यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अभी अभी हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। यानी कि पेट्रोलियम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा गोटारो का, क्योंकि दोस्तों गोटारो गैस का भंडार है। किसका भंडार है दोस्तों, गैस का भंडार है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 112, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है। तो एम पासपोर्ट सेवा ऐप, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113,
वर्तमान में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG है। क्या है? गिरीश चंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो अजमेर का हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसमें ऑप्शन नंबर ग। फिर जेके सीमेंट सिरोही में है। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में। श्री सीमेंट अजमेर में है और ऐसी सीमेंट बूंदी में है। तो ACC द इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पर बाड़मेर का मुख्यालय नहीं है, यह बालोतरा में स्थित है। कहाँ पर है? बालोतरा में मुख्यालय स्थित है। तो बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो वह करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे दोस्तों? करौली में आए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ में निम्न संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। तो मेवाड़ पर्यटन सर्किट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें डूंगरपुर भी है, क्योंकि डूंगरपुर वागड़ सर्किट पे आता है और माउंट आबू गोडवाड़ सर्किट पे आता है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन यह प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, इसमें स्टार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, उससे वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यह अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबोर्न में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह पहले सबसे बड़ा स्टेडियम था। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर शहर में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन एक राजनेता अधिवक्ता संविधान के सभा के सदस्य भी थे? तो कौन थे दोस्तों? तो मुकुट बिहारी भार्गव। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? पाली से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 को फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो यह अर्जेंटीना और फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो कौन सा नहीं था? गणेश शंकर विद्यार्थी। यह कहाँ से संबंधित था? तो यह कानपुर से संबंधित था। और इसकी प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित था। कौन सा था? प्रताप नामक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 124, छप्पन का मैदान का संबंध कौन सी नदी से है? तो छप्पन का मैदान का संबंध माही नदी से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्या है? माही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस किले की प्रशंसा में दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अटगढ़ बीकानेर, बलोचिनाई भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो यह कथन कौन से किले के लिए कहा गया है? तो यह कथन सोनारगढ़ जैसलमेर के किले के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, सोनारगढ़ जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध कहाँ से है?
तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध दोस्तों भूमध्य सागर से है, कहाँ से है दोस्तों? भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? तो यह विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी थी। कौन थी दोस्तों? अवनी चतुर्वेदी। राजस्थान एक क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो कमलकांत वर्मा थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्न में से भारत में कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? गुजरात में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास को क्रूज है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों शेडू देवनारायण जी की माता थी और लोहट जी जामो जी के पिताजी थे और अजमाल जी बाबा रामदेव जी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 133, गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेल अल सीसी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 128, लड़ाकू विमान, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन किन नाम पर किया गया था? तो परम चक्र विजेता, यह थे मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, उनके नाम पर नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? तो यह देवी पार्वती का रूप है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, नामीबिया में लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो उसको कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 138, गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। यह रानी पद्मिनी के काका भतीजे थे, गोरा और बादल। क्वेश्चन नंबर 139, कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, लेकिन महाराष्ट्र में इसका फैलाव नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताना है। तो सिलिसेट झील अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, अटारी का जोड़ा पाली में नहीं है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर असंगत मेल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? असंगत मेल पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो राजस्थान में अबूझ सावा अखा तीज अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया है? रेत समाधि के लिए। ऑप्शन नंबर 2 किसके लिए? रेत समाधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 143, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन से हैं? तो नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 144, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145,
गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 है, राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राव बीका और नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण ही शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट सागर माता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 149, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती हैं? तो बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर किया था? तो शुभंकर शेरू था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यह जीके वाले 50 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया गया है और पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी था दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर अच्छा गया होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।